डोंट मूव डोंट मूव आई नीड टू टेक पिक्चर ऑफ समवन हु ओवरथिंक परफेक्ट अरे धनी By the time I will reach my hometown, which is in Bundelkhand, I just want to introduce you with this region called Bundelkhand. तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक इलाका और एक रीजन है जो लोग यहाँ चाहते तो हैं कि ये एक स्टेट बने बट पता नहीं क्यों नहीं. सो यहाँ के लोग अक्सर इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो भोपाल या इंदौर जाते हैं और जो धन्ना सेठ हैं वो बेंगलोर दिल्ली भी चले जाते हैं. So if I can tell you some of the famous reason, so झांसी तुमने नाम सुना है, झांसी की रानी, right? वो बुंदेलखंड रीजन है. ललितपुर या फिर जबलपुर या फिर सागर, दमोह, खुरई, छतरपुर वाला रीजन भी थोड़ा थोड़ा इसी में आता है. सो वेलकम मेरे एरिया में. हम काम कर रहे थे, मेरी दादी आई अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए Q2 की दादी से. Q2 मेरे को बोलते हैं घर में. जय जनन. Here in my hometown, I used to work on weekdays like Monday से Friday, and rest of the time I explore, travel like बुंदेलखंड को you know uncover कर रहा हूँ. Like मैं बहुत ज़्यादा रहा नहीं हूँ यहाँ. हरदोल, लाला हरदोल, सत्यवाद है भैया. अभी जो तुम सामने देख रहे हो ये है कुंडेश्वर, बुंदेलखंड का एक पर्यटन स्थल जो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है खजुराहो जितना, बट है. यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी रहता है टीकमगढ़, जहाँ से मैंने 12th किया है. चलो जब मेहरौनी से टीकमगढ़ जाओ तो यहाँ पर एक चाय का टपरी बहुत फेमस है, भैया जी ने बताया. चीनी वाली चाय से लेकर धुएं वाली अगरबत्ती तक, छात्र नेता से लेकर अभिनेता तक, सब यहीं की चाय का पोषण लेके बढ़े हुए. टपरा और जो टपरा, समझ रहे? हाँ, कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा, बहुत, जैसे कि मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स का जो व्यूइंग कंपटीशन था उसी तरह इधर कंपटीशन चलता है. टीकमगढ़ की गद्दी पे कौन है? टीकमगढ़ की गद्दी पे वैसे तो नाती राजा है, नाती राजा, लेकिन फिर भी हर गली के अपने अपने शेर हैं. हमने टीकमगढ़ की बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड की बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजन से ऐड नहीं कर पाऊंगा. भैया जो कया साने टीकमगढ़ पार्क. अरे जो तो बड़ो क्लास लग रहा हो यार. भैया जो कौन सा एरिया है? इका भैया ताल दरवाजा बोला, बड़ी रंगीन जगह. अरे आदमी हूं बेटा. अभी विधायक टीकमगढ़, पूर्व विधायक माननीय यादवेंद्र सिंह जी बुंदेला. भैया जो कौन सा एरिया है इधर? भैया पपोरा चौराहा, ये बड़ा कंजेस्टेड सो है. नहीं नहीं, ये जो तो एकदम पहाड़ी इलाका लग रहा, कहाँ है जो? हाँ, इधर से पपोरा जी जाते हैं, जैन मुनि का क्षेत्र है भैया. जैनों का? वाह भाई, तुम्हें तो बड़ी जानकारी है. हम भैया चारों तरफ की खबर रखते हैं. अरे वाह. हाँ, ये अपन जा रहे हैं अंदर ही अंदर मोहल्लों में, गलियां थी कम गलियां, ये चौबारा यहाँ आना रोज द्वारा. अरे भाई बड़ी सक्रिय है लेकिन. अरे तो अब लेकिन अपने भैया भी राइडर नहीं, कम नहीं है. क्या भैया, तनक 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 जोहर दिखाओ, तनक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मारो, चेजिंग सीन टाइप का चू करो, घुमा दियो भाई, घुमा दियो तनक भैया. काय भैया जो कया? यो ये राजेंद्र पार्क या राजेंद्र पार्क, इतना तो लग रहा है कि कछु एकदम काइंड ऑफ, तो मेला लगत रहा, मेला लगत. अरे भाई भैया जो कया?
भाई वो ओरछा के राजा हाँ हरदौल ने मनवाया था ये। अरे भाई जो कौन सा चौराहा, गांधी चौराहा बोलते हैं इसको, गांधी चौराहा लग तो रहा है गांधी की बेटी को। ये है स्टेट बैंक चौराहा टीकमगढ़, बहुत ही फेमस। भैया ये तो कोई मास्क का ही नहीं पहने, कोरोना नहीं है भैया ये तो, हमने तो सुनी थी है। नहीं आया था, नहीं आया मारोनी से पहले तैयार हो तो ओ भैया कितने कही दी ये तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये रेड सराफा बाजार और इसके साइड में कटरा बाजार, यहाँ पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहती है, समझ गए। आगे कहाँ है भैया? हनुमान अखाड़ा। हनुमान अखाड़ा, ओके ओके। किराने से ज्यादा इस एरिया में सराफा बाजार जो है यहाँ पर ज्वेलरी की ज्यादा। किन्नी किन्नी की आंखों में बजरंग बली के लिए एक प्यारा लगी दिखेगा, ये देखिए। तुम्हें पता मैंने लाइफ में पहली बार पेटिस टीकमगढ़ में ही खाया था। देंगे भैया दो, गरम कर दियो, अच्छी गरम कर दियो, गरम सब कुछ लौट के। सब हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं यहाँ पे। अरे पेटिस खास है भाई ने बोला तभी तो आए हम। जी सर पेटिस खास है अपनी यहाँ की, सुमित पेटिस के नाम से चलती है। नहीं कहिए बेटा भाई, तुम पैदल चल के चल के एक एरिया से दूसरे एरिया में आ सकते हो। अभी अपन आ गए राजमहल रोड, यहाँ पर हमारा दोस्त रहता है मंथन, मड़वैया मोटर्स ऐसी कुछ है, सुभाष भूपदीप है, ऐसी है का? वो भी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हमें मिले थे, हमसे बोलते हैं कि तुम तुम्हार सी से कितना बदल गए, डैंक मैंग मीम मीम बनाने लगे। जो कटरा बाजार है भैया, इतनी एक भीड़, बहुत भीड़ रहती है, जो तो लगा था हमारा जैन मंदिर आ गया, जो लक्ष्मी टाकी जाएंगे अब अपन इधर से, बहुत जैन मंदिर है भाई, बहुत पुरानी लक्ष्मी टाकी। पूरी मेहरोनी की लड़कियां आती है इधर खाने, अच्छा हाँ तरह तरह का खाने आती है। चार चौपाटी तो है, अब कहाँ चल रहे भैया? ईदगाह मार्केट और चार चौपाटी, ईदगाह मार्केट अगला डेस्टिनेशन, ईदगाह मार्केट, ईदगाह मार्केट। जो तो बड़ा फेमस एरिया लग रहा भैया, स्टेट बैंक चौराहा हुआ है भैया, स्टेट बैंक चौराहा। अरे इतने तक बिलात अच्छी अच्छी दुकान है, लैपटॉप मिल जाए का? लैपटॉप मिल जाए, टैबलेट मिल जाए, अच्छा 6 सिम वाला फोन मिल जाए, 8 सिम वाला। अरे भैया मजे ही आ रहा, सिमैया तो बनती भैया। अरे भैया जो है तो एक पार्क हाथों का है भैया, हाँ हाथों राजेंद्र पार्क, अबे अबे बंद है वो भाई, बंद है तो जो आ गए अपन गांधी चौराहा, नजरबाग 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 को गांधी चौराहा। भैया जो का लाल किला में, लाल किला में कौन है दारू पी है भैया? धूम कर लो भैया, जल कोतवाली है, करम करो सो इतने फल मिला, जीते करम करो, जीते जी जीते। जो कौन सा एरिया आ गए? जो आ गए अपन हो रहे हैं सेल सागर चौराहा, सेल सागर, हाँ इधर बहुत सारे सागर थे सेल हो गए, तो सेल सागर इसलिए इसका नाम पड़ा। मॉल हाँ ये देखिए बी बाजार, बड़ा मॉल, बड़ा मॉल भाई, मॉल बी फॉर बड़ा, बी फॉर बड़ा मॉल माने मॉल, डिल्डो मिल जात, हाउ 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 हथकड़ी भी मिल जाए। जो अपन आ गए गोल क्वार्टर, गोल क्वार्टर, गोल क्वार्टर, गोल क्वार्टर,
गोल क्वार्टर, गोल क्वार्टर जो आगा गोल क्वार्टर मतलब नंदीश्वर कॉलोनी रेसिडेंटल एरिया, ये है गोल गोल क्वार्टर। देखो गोल गोल क्वार्टर, देखो गोल गोल, देख रहा ईदगाह मार्केट। अरे भाई इधर पे तो जूस वूस मिल जाएगा, लगता सब मिलता है यहाँ पे जूस भी। नहीं सीधे जी आ गया खाने पीने का मस्त, मतलब बहुत ही फेमस टीकमगढ़ की। इस चार चौपाटी है भाई, चार चौपाटी ईदगाह के पास खान। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय सुश्री उमा भारती जी का बंगला, क्या मस्त व्यू है। आई होप आपने ये जर्नी एंजॉय की हो। हम चल दिए अपने घर साइड मेहरौनी। डू यू नो दिस, ये नहर से पानी जाता है खेतों में। लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस और यू हैव सीन दिस, बट भैया जैसे ये खेत है, ये नहर है, तो ये तो यहीं पास में हो गया, और किसी का अंदर हो गया तो अंदर हो गया तो यही पाइप चलेंगे। कितने कितने दूर तक चला जाता है? 1000 फुट। ओ मागू कैमरा। स्पेशल क्रेडिट फॉर द पीपल हु हेल्प मी टू मेक दिस वीडियो, सोहम रे, शुभम भाई, शिवाजी और मैं। ये है यूपी इस साइड, ये है एमपी। हम यूपी से एमपी जाते थे पढ़ने महर्षि विद्या मंदिर में। और एक और बात बतानी है भाई यार, यहाँ पर एक अरे तो ये मध्य प्रदेश के उसमें घुस रहे हैं सीमा में, यहाँ से चलो भैया। उत्तर प्रदेश की सीमा में आपका स्वागत है, बोलो जो बाकी से दाने दाने समझ दियो। फिर आ गया मैं घर वापस। डिपेंड करता है कि मैं यहाँ के और वीडियो बनाऊंगा या नहीं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है इस वीडियो पर बनाऊंगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और मुझे काम करना है। विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक।